तो News 24 के ऑपरेशन कागज का असर लगातार जारी और हमने जो एम्बुलेंस घोटाला दिखाया था, एक तरफ उसकी जांच हो रही है, दूसरी तरफ सीवान से लेकर पटना तक सियासी भूचाल आया हुआ है। 5 दिन से सवाल और बवाल जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि JDU ने BJP से निकाले गए MLC टुन्ना जी पांडे पर 50 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगाया है। News 24 के खुलासे के बाद JDU नेता अजय सिंह ने कहा है कि एम्बुलेंस घोटाले में टुन्ना पांडे ने 50 लाख की रिश्वत ली। इस आरोप के बाद पूरे मामले में बहुत बड़ा टर्न आ गया है। आपको बता दें कि टुन्ना जी पांडे के फंड से सीवान में 17 एम्बुलेंस खरीदी गई थी, जिसमें बड़ा घोटाला हुआ था। News 24 के खुलासे के बाद टुन्ना पांडे ने CM नीतीश और उनकी सरकार पर सवाल उठाए थे। सहयोगी पर सवाल उठाने की वजह से BJP ने टुन्ना पांडे को पार्टी से निलंबित कर दिया है। अब इन्हीं टुन्ना पांडे पर यह आरोप लगा है और JDU नेता अजय सिंह ने क्या कहा, सबसे पहले वो सुनवाते हैं आपको, क्या आरोप लगा है। माननीय टुन्ना पांडे जी, आपका बयान साबित कर रहा है कि आप क्यों छटपटा रहे हैं। हमें तो पता चला है जो आपने खाते पर, अपने अकाउंट पर कौन सी शक्ति ट्रेडर साहब अकाउंट का अकाउंट बनाए हैं, उसी पर आपने 50 लाख रुपया घूस ले लिया है, इसलिए आपको छटपटी ले रही है। और जांच हो रही है तो छटपटी नहीं ले रही है। तो देखिए, पूरा मामला एक नया रंग लेता नजर आ रहा है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, टुन्ना पांडे ये कह रहे थे हम अनुशंसा करते हैं, उसके बाद कितनी राशि खर्च की गई उनकी निधि से ये जानकारी उन्हें नहीं होती है, तो इसलिए अधिकारियों पर पूरी तरीके से ये आरोप डाला जा रहा था। मेरे साथ आकाश प्रखर, मेरे सहयोगी, इस वक्त जुड़ गए हैं सीवान से, जहां पर ये पूरा घोटाला हुआ। लेकिन आकाश, ये पूरा मामला अब तो टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है, हकीकत क्या है, ये किस अकाउंट की बात की जा रही है जिसमें 50 लाख रुपए का ट्रांसफर हुआ रिश्वत के रूप में? देखिए, ये तो जांच का विषय है कि ये अकाउंट किसका है और कहां से संचालित होता है, किन लोगों ने पैसा मांगा और किसने लगाया। लेकिन सीवान के सांसद पति जो जदयू के सांसद हैं, कविता सिंह उनके पति हैं और जदयू के वरिष्ठ नेता है अजय सिंह, जो हमेशा अपने वाद विवादों के चलते चर्चा में रहते हैं, उनको दबंग यहाँ का नेता भी कहा जाता है, उन्होंने आज बयान दिया है और पलटवार किया है टुन्ना जी पांडे पर। जो हमारा ऑपरेशन जो कागज चला था, उस कागज ऑपरेशन के बाद लगातार अपना बयान दे रहे थे और एम्बुलेंस मैटर को छोड़कर सीधे नीतीश जी को अपना निशाना बना रहे थे, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बलगल बयान देकर लोगों को भ्रमित कर रहे थे। तो ये भी बात सामने आई थी कि ऑपरेशन कागज की इन बातों को छिपाने के लिए ये सारे बयान दिए जा रहे हैं कि वो मामला दब जाए, लोग उसकी चर्चा ना करें। लेकिन आज इसे फिर से उभार दिया है सांसद के पति और जदयू के वरिष्ठ नेता जो सीवान के हैं अजय सिंह, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक ट्रेडिंग कंपनी बनाई गई है जिसमें 50 लाख रुपए घूस लिए गए हैं। घूस एम्बुलेंस के सवाल पे किए गए हैं। जब एम्बुलेंस का सवाल किया गया तब उन्होंने इस बात की चर्चा की है। तो निश्चित रूप से जो हमने खबर चलाई थी उसका ये बड़ा जवाब है और जदयू के बड़े नेता आकाश, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन क्या अब ये समझा जाए कि छोटी मछली पर कार्रवाई हो जाती थी, बड़ी मछली बच जाती थी, लेकिन ऑपरेशन कागज के News 24 के इस बड़े खुलासे के बाद क्या बड़ी मछलियां भी पकड़ में आएंगी, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा सामने आ रहा है और धीरे धीरे बातें सामने आ रही है। हालांकि हम लोगों ने जब खबर चलाई थी तो उसमें सीधे तौर पर हमने DPO जिनके दस्तखत से पूरे पैसे पास हुए थे, किसी नेता को हम लोगों ने सवाल के घेरे में नहीं लिया था। लेकिन इन सबके बावजूद भी टुन्ना जी पांडे सवाल के घेरे में आते गए, लगातार इनके खिलाफ बयान आते रहा और इससे ये साफ तौर पे पता चलता है कि कहीं ना कहीं संलिप्तता उनकी भी है, तभी ये लगातार दूसरे बयान देकर इस मामले को ढकने की कोशिश करते रहे हैं। और आज अजय सिंह ने, जो सांसद के पति हैं, सीवान के सांसद कविता सिंह के पति हैं, उन्होंने ये बात साफ किया है कि 50 लाख रुपए किसी खाते के माध्यम से, किसी ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से लिए गए हैं। तो ये जांच का विषय है, जांच की भी थी बीच ही क्लियर हो पाएगा कि ये पैसे कहाँ गए, किन्हें निकाले और कहाँ से भेजे गए। तो इस ट्रेडिंग कंपनी पर अभी तक कोई जांच बिठाई गई है या नहीं आकाश? देखिए, आज पहली बार जिस ट्रेडिंग कंपनी की बात अजय सिंह ने की है कि उस ट्रेडिंग कंपनी में मंगाया गया है 50 लाख रुपया घूस, ये पहली बार सामने आया है। अब इस नजरिए से टाइमिंग क्या है आकाश, टाइमिंग क्या है इस घूस की रकम की, ये जो 50 लाख का जिक्र किया जा रहा है उसका वक्त क्या दिखाई पड़ रहा है ट्रांजेक्शन में? जी, अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज अजय सिंह ने पहली बार इस ट्रेडिंग कंपनी का नाम लिया है। हम लोग जिस इंद्रासन कंपनी के बारे में बताते रहे हैं, उन लोगों ने खरीद की थी, लेकिन इस ट्रेडिंग कंपनी के पास घूस भेजे गए हैं। और ये बता रहे हैं अजय सिंह
कि ये टूना जी पांडे के द्वारा बनवाया गया ट्रेडिंग कंपनी है और इसी में घुस के पैसे मंगाए गए हैं जैसा कि उनका कहना है। तो ये साफ तौर पे सामने आ रहा है, चूंकि स्थानीय नेता है तो उन लोगों को अंदर की बातें पता होती है, बात जब खुलने लगी है तो दूर तलक जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं ये सारे। बिल्कुल, और ये उस सवाल का जवाब है जो न्यूज 24 बार बार पूछ रहा था कि आखिर जब माननीय के निधि से, जब विधायक की निधि से खर्च हो रहा है तो फिर कैसे सिर्फ अनुशंसा की जा रही है, उनकी निधि से कितना खर्च हो रहा है, क्षेत्र के विकास के लिए पैसा आता है वो किस मद में खर्च हो रहा है, ये आपको कैसे पता नहीं होगा, और फिर आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती, ऐसा लगता है कि अब इन्हीं सवालों का जवाब मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।